नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार को पर्यटन के लिहाज से विकसित करना बिहार सरकार की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। यही कारण है कि हर दिन के साथ बिहार सरकार एक के बाद एक पर्यटन स्थल को विकसित करने का काम कर रही है। इसी में सबसे बड़ी सफलता बिहार सरकार को अब मिली है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही नेचर सफारी के उद्घाटन का काम किया था। सबसे खास बात यह है कि इस नेचर सफारी के अंदर ही आपको ग्लास ब्रिज, पार्क और जू सफारी देखने को मिलेगा। अब ये जानते हैं कि ये पूरा नेचर सफारी फैला कितने एरिया में है, तो हम आपको बता दें कि यह नेचर सफारी 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसके निर्माण में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सिर्फ जू सफारी की बात करें तो इस पर 177 करोड़ की लागत आई है। इतना ही नहीं, इस जू सफारी में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाएगा, जिसके तहत ही नेचर सफारी के अंदर बनाए गए जू सफारी सुरक्षा के लिए वन विभाग के पुलिसकर्मी के साथ साथ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरीके की कोई चूक ना हो। अब बात करते हैं कि आखिर इसके निर्माण कार्य की शुरुआत हुई कब, तो हम आपको बता दें कि नेचर सफारी के निर्माण का काम साल 2017 में ही शुरू हुआ था। साल 2020 के 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेचर सफारी और ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निरीक्षण किया था। उस समय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाकी बचे काम को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश जारी हुआ था। काम पूरा होने के बाद ही 26 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेचर सफारी का लोकार्पण किया, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोलने का काम किया गया था। हालांकि यह नेचर सफारी अब पर्यटकों के लिए और ज्यादा रोचक हो गया है, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जू सफारी का उद्घाटन कर दिया, जो कि आम जनता के लिए भी अब खुल गया है। इस दौरान सीएम नीतीश ने साफ कहा था कि साल दिसंबर 2009 में उन्होंने राजगीर में पूरे 7 दिन बिताए थे। इसके बाद एक एक चीज पर काम किया जा रहा है, चाहे वो नेचर सफारी का काम हो या रोपवे का काम हो, पांडू पोखर का काम हो, घोड़ा कटोरा का काम हो, हर जगह को पर्यटन के उद्देश्य से विकसित करने का काम हो रहा है। इस नेचर सफारी में घूमने का आनंद देश भर के लोग अब आसानी से उठा सकेंगे। अब सवाल ये है कि अगर आप जू सफारी में जाने का मन बना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? क्या आप वहीं जाकर टिकट ले सकेंगे या पहले भी बुकिंग की सुविधा आपको मिलेगी? इन तमाम सवालों का आपके जहन में आना भी लाजमी है। तो हम आपको बता दें कि आप नेचर सफारी के पैकेज के लिए घर बैठे बैठे ही टिकट बुकिंग का काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस राजगीर जू सफारी .in पर जाना होगा, जिसके बाद आपको वहां पर टिकट बुकिंग का विकल्प मिलेगा। उस ऑप्शन पर क्लिक करते ही महज 250 रुपए की पेमेंट करने के साथ ही आप टिकट बुकिंग का काम करवा सकते हैं और जू सफारी का आनंद ले सकेंगे। हम आपको बता दें कि जू सफारी में जंगली जानवर खुले में विचरण करते दिखेंगे, वहीं पर्यटक बंद गाड़ी में बैठकर उन्हें नैसर्गिक माहौल में देखने का आनंद ले सकेंगे, जिसके बाद अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों की संख्या भी आने वाले दिनों में बिहार में बढ़ती हुई नजर आएगी और बिहार सरकार के बिहार को पर्यटन के लिहाज से विकसित राज्य बनाने का सपना भी साकार होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।